खबर भिंड से है, जहां पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भिंड पुलिस ने सातिर बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। लूट के आरोपी भिंड पुलिस को लहार के पास बरहा गिरवासा के पास शिकायत मिली थी। यहां 10,000 का इनामी सातिर बदमाश कृष्णा कुशवाहा अपने दो साथियों के साथ चोरी की बाइक के बदले पिस्टल की डीलिंग के लिए आया था। जब बदमाशों ने पुलिस से घिरा देखा तो कट्टे से फायरिंग कर सेमड़ा की ओर भागे थे। भिंड पुलिस ने इन बदमाशों का पीछा 25 किलोमीटर तक किया और सेमड़ा थाना क्षेत्र में शॉर्ट एनकाउंटर में दबोच लिया। इस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुए हैं, वहीं पुलिस का एक जवान भी चोटिल हो गया है। पुलिस के मुताबिक लहार के बरुअन का पूरा निवासी कृष्णा कुशवाहा के विरुद्ध लूट, हत्या, डकैती जैसे करीब 11 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, जिस पर करीब 10,000 रुपए का इनाम भी है। शनिवार की देर शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कृष्णा अपने साथियों के साथ बाइक डीलिंग करने आया है। इसी गुप्त सूचना पर देहात टीआई विनोद सिंह कुशवाहा और साइबर सेल प्रभारी दीपेंद्र यादव, बरोही थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह ने संयुक्त टीम के साथ उक्त आरोपियों को असवार थाना क्षेत्र के बरहा गिरवासा रोड पर घेराबंदी कर पकड़ना चाहा। यहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर सेमड़ा थाना अंतर्गत मदनपुरा रोड पर भाग निकले। पुलिस के जवान 4 4-व्हीलर और 2 बाइक से इन बदमाशों के पीछे दौड़े। उन्होंने बाइक छोड़कर खेतों में भागे। यहां बदमाशों ने सीधे पुलिस पर फायरिंग कर दी। कृष्णा कुशवाहा ने 5 राउंड फायर किए, वहीं दूसरे बदमाश ने 2 राउंड फायर किए। इस मुठभेड़ में पुलिस तीनों आरोपियों को दबोच लिया। इनामी कृष्णा कुशवाहा के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य आरोपी भागने के दौरान गिरने से घायल हो गए। वहीं इस गोलीबारी में साइबर सेल के ASI सतवीर सिंह के हाथ में गोली लगने से वे भी घायल हो गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने कृष्णा के अलावा अजय रावत निवासी श्रियावरी थाना लॉन्च, दतिया राजा रावत निवासी लॉन्च भी शामिल हैं।